क्योंकि ये प्राचीन स्थान है प्रह्लाद कुंड का। यहाँ पे होलिका दहन सबसे पहले यहीं से ही प्रारंभ होता है उसका, उसके बाद और जगह शहर में मनाई जाती है। बहुत ही प्राचीन कुंड है, प्रह्लाद जी का स्थान है प्रह्लाद कुंड करके, और बहुत ही मान्यता है इस स्थान की। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविन्द्रनाथ सेठ है, मैं संचालक हूँ यहाँ मंदिर का। ये हरदोई शहर हिरण्यकश्यप की राजधानी, भक्त प्रह्लाद का जन्म स्थान, और यह स्थान श्रवण देवी नाम से विख्यात है, माँ सती का कान गिरा है, इस कारण ये देवी भागवत में 529वां नाम है। इस कुंड में हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने की चेष्टा से फेंका और भगवान की कृपा से बचा। उसके पश्चात होलिका ने अपने भतीजे को मारने के लिए एक साल जो उसके पास थी, जिसमें वरदान था, उसे ओढ़ने के बाद आग नहीं चपेट में लाती थी, उसको ओढ़ करके बैठ गई होलिका से के सर पर से। तो ऐसा भगवान की कृपा हुई, वो साल तो उड़ गई और वो जाके होलिका के ऊपर गिरी, होलिका स्वयं भस्म हो गई, प्रह्लाद बच गया। यहाँ पर आने जाने वालों के सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक स्थान। अच्छा, होली यहाँ पे कब से शुरू हुई है, ये उसके बाद क्या है? अब इतना तो लंबे अंतराल से नहीं बता पाएंगे, न जाने जब ये त्रेता युग की बात है, इधर वो युगों के इनसे ये चल रहा है, और सारे भारत में सारे विश्व में यहाँ से ही होली का प्रादुर्भाव हुआ है। क्या नाम है आपका? रामविलास तिवारी।